अच्छा सर, आपसे दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो कि काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी है कमेंट करके, कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, कोई नया बंदा के बात करता है, तो लोग उसको मज़हब से जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताएं कि इसको आप किस तरह देखते हैं? कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करता है तो उसको क्यों मज़हब से नहीं जोड़ते? किसी और सब्जेक्ट की बात होती है, आप अपने बच्चों को पीएचडी तक करवाते हैं, पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में जाके करवाते हैं, वहाँ कभी मज़हब बीच में लेके नहीं आते। अब असल में अवेयरनेस की बात है, इसको जोड़ने का मतलब ये, क्योंकि यहाँ जो नाम नेहाद बाबाओं ने जो काम किया है, ठीक है, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट को एक तरीके से इसका मिथ बन गया है कि यार ये सब्जेक्ट सीखना नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मज़हब में दो बातें इसकी लेकर आते हैं लोग आमतौर पे, एक ये आते हैं कि यार ये हराम है या ये ममनू है, ये सीखना नहीं चाहिए, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करी क्यों। हालांकि कुरान में अल्लाह पाक इस बात की इजाज़त दे रहा है कि मेरे कायनात को तस्खीर करो, और सारा यही सब कुछ है, हम पिछली वीडियो में भी काफ़ी जगहों पर ये बात मुसलसल कह चुके हैं। तो मज़हब से जोड़ने का जो ताल्लुक लोगों का है उनका पर्सनल है, वो जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बगैर चलते नहीं हैं, और इसी ही की बेस पे अपने काफ़ी क्लाइंट हैं, काफ़ी लोग आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी की बेस भी करते हैं, यार हमें कब काम शुरू करना है, हमें क्या काम करना चाहिए, मेरे बच्चे की डेस्टिनी क्या है, इसको मैं डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, कौन से फील्ड या शोबे में डालूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो दुनिया में तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो किसी चीज़ को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो उस चीज़ को नहीं मानते। तो आप किसी पे बंदूक तो रख नहीं सकते कि यार सब माने नहीं माने, कुछ होम्योपैथिक के इलाज को नहीं मानते, लेकिन कि होम्योपैथिक के इलाज एग्जिट नहीं करता, आयुर्वेदिक को नहीं मानते, हिकमत को नहीं मानते, कुछ एलोपैथिक को मानते हैं, कुछ एलोपैथिक को नहीं मानते, तो क्या करें? तो सबको तो नहीं कह सकते कि यार सब एलोपैथिक पे आओ। तो ये अवेयरनेस है, जिसको जिस इल्म की अवेयरनेस मिल गई, और कोई भी इल्म याद रखिएगा, अगर वो आपको फ़ायदा दे रहा है तो परवरदिगार का दिया, अगर वो फ़ायदा दे रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजी आपको कहीं फ़ायदा दे रही है और डेफिनेट देती है, तो वो आपको सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ये आप आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो माने या नहीं माने या मज़हब से जोड़ दे। दुनिया में तो कहीं भी मज़हब से नहीं जोड़ा जाता, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और हम विन करते हैं उसके अंदर।